लेटेस्ट अपडेट आई है कंपनी की तरफ से, वो जानेंगे, फिर जानेंगे कि स्टॉक कितना गिर रहा है, तो फिर अभी हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप देखो तो इनका जो प्लांट बंद हुआ था महाड़ में, ये महाड़ में बंद हुआ था और इन्होंने आज ये नोटिस दी कि महाड़ का जो प्लांट है वो ऑन हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, पिछली बार भी मैंने बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ, महाड़, सातारा और कोल्हापुर में है। और जो जिस तरह से इन्होंने अलॉट किया गया है ना, सब में एक सेम तरह की हमें मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने मिलती है। अभी ये मेंशन तो नहीं है वेबसाइट पे, बट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट्स और द इंटरनेट, हम मैंने थोड़ा सा सर्च किया एंड देन मुझे पता चला कि महाड़, सातारा और कोल्हापुर, ये तीनों का जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो प्रोडक्शन यूनिट्स की कैपेसिटी है ना एक ही जैसी है। तो महाड़, सातारा और कोल्हापुर एक ही तरह से अगर आप देखो तो हमें देखने मिलते हैं जितना प्रोडक्शन होता है। तो आप समझो कि इनकी प्रोडक्शन है ना, मतलब घट गई, मतलब 30-33% जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। ये तो मैंने पिछली बार बताया ही था। तो देखिए ये कभी आया, जुलाई में आया, ठीक है, तो जुलाई का एक आधा महीना और अगस्त और सितंबर, तो अभी सितंबर ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप देखो तो सितंबर का, आप देखिए Q2 का रिजल्ट आएगा ना, तो ये इससे हमें क्या पता चलेगा कि जिस तरह से ये 3 महीने, मतलब पूरा Q2 ही आप पकड़ के चलो, पूरे Q2 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, लेकिन इनका जो स्टोरेज टैंक्स है, ये स्टोरेज टैंक्स में कितना सामान इन्होंने रखा था वी डोंट नो। तो अगर इन्होंने स्टोरेज टैंक्स में अगर सामान रखा था जितना इन्हें सेल कर, तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक फर्क पड़ सकता है कि उनकी जो एक्सपेंसेस है वो कम हो सकती है, क्योंकि कभी भी बैलेंस शीट पे अगर आप नजर करो तो बैलेंस शीट पे कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई ये हमें नहीं दिखता है, बैलेंस शीट पे दिखता है कि कितनी सेल्स हुई, और सेल्स दिखती है अगर इनके पास टैंक्स के अंदर भरे हुए थे माल, सामान, गुड्स पड़ा हुआ था, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो बराबर, मतलब नहीं हुई, लेकिन जो सेलिंग हुई वो इन के द्वारा अगर वो हो चुकी होगी, और अगर हो चुकी होगी तो कंपनी रिजल्ट अच्छा पेश कर सकती है। बट योर कम्स अ लूप होल, ये लूप होल इस तरह से है कि कंपनी की सेल्स बराबर तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें यहाँ पर महाड़ में उन्हें कितना, मतलब एक आप कह सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ वी डोंट नो, एंड उन्होंने अपने आर्टिकल में भी मेंशन नहीं किया है। PDF मैंने आपके सामने ओपन किया और इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उनको महाड़ में कितना बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने बस ये बताया कि इनके जो MIDC के एरिया में, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में ख़राब हो गया था, वो हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये अपने रिकॉर्ड में लेके चल सकते हैं। डैट्स इट, वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट द कंपनी डैट नाउ वॉट द कंपनी इज़ डूइंग। तो हमें ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय आप कह सकते हो, तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी, वरना कंपनी की जो चीज़ें हैं वो हमें A+ देखने मिल रही है, तो उसके मामले में तो हमें कुछ देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम हो चुका होगा, मतलब एक्सपेंस तो कम हो चुका होगा, लेकिन जो जिस प्रकार से उन्हें हमें लॉस देखने मिल रहा है, अगर वो जो डैमेज प्रॉपर्टी और लाइफ का अगर लॉस ज़्यादा होते हुए देखने मिलेगा, तो वो बैलेंस शीट पे हमें अफेक्ट होते हुए दिखेगा। तो अगर बैलेंस शीट पे अफेक्ट होगा तो हमें थोड़ा सा नुकसान देखने मिल सकता है, बट एज पर द सेलिंग प्रेशर एंड द नेट प्रॉफिट प्रेशर, आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट बैलेंस शीट में इसका थोड़ा सा एक नुकसान आ सकता है। तो बैलेंस शीट वीक हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव होते हुए देखने मिल सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े और कंपनी के चार्ट को एनालाइज करें, तो चार्ट को कुछ इस तरह से हमें देखने मिलता है। तो आपके सामने मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डे लगाया है। तो आप देखो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डे को जब इसने क्रॉस किया था ना, तब से हमें बड़े बड़े उछाल देखने मिले हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डे को जब से क्रॉस किया तब से इसने इसको तोड़ा नहीं है, उसको ही रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। बट फ्रॉम द पास्ट 2 डेज आप वॉल्यूम बेस्ड काम देखो और इसको टूटता हुआ भी हमें देखने मिला है। अगर आप देखो तो इसका वॉल्यूम बेस्ड काम हमें बहुत ज़्यादा कम होते हुए देखने मिला है, और वहीं पर इसने है ना इसको लोअर सर्किट में आते आते तोड़ दिया है। तो ये एक आप बुरी खबर कह सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर जिसने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है उसके लिए ये
ये तो एक ट्रिगर है ही, और एक ट्रिगर जो मार्केट में चल रहा है वो ये होगा कि इसका रिजल्ट खराब आएगा। ऐसा एक रिजल्ट खराब आने वाला ट्रिगर भी इसको एक मतलब नीचे लेके जा सकता है। तो अगर आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी है, तो अगर आपको मौका मिलता है और अगर आप प्रॉफिट में हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो आप इसको सेल करके निकल सकते हो। बट एज पर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आपको ज़रा भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी ए वन है, ए क्लास है, अपनी इंडस्ट्री में सेक्टर लीडर है। एसिटाइल प्रोडक्ट्स तो वो अपने 90% शेयर को होल्ड करती है, तो 90% मोनोपोली होने के कारण वो एक एक लीडर की तरह होती है। मैंने ए एम आई ऑर्गेनिक्स वर्सेस क्लीन साइन आईपीओ वर्सेस ए एम आई ऑर्गेनिक्स बना के रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो उसको चेकआउट कर लेना, बाद में आप डिसीजन लेना कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर को यहाँ पर होल्ड करना है। सो वी विल बी मीटिंग इन आर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जय हिंद जय भारत।